प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज अगर आप दूसरी काउंसलिंग करने जा रहे हैं, यूपी कैटेट की 2020 की दूसरी काउंसलिंग में बैठने जा रहे हैं, दूसरी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। इसमें जो बच्चे अपग्रेडेशन कराने वाले हैं, जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई है या जिन्होंने कराई थी लेकिन 5,000 रुपए जमा करे सिक्योरिटी फीस, हर तरह के बारे में बात की जाएगी। कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। इससे पहले अगर हम आपको बता दें कि अगर आप 11th और 12th वाले बच्चों को जानते हैं, आपकी जानकारी में कोई है कृषि वर्ग के जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस कोर्स के विषय में जरूर बताएं। कंप्लीट बैच चल रहा है मात्र 5,625 रुपए में और इसकी फीस भविष्य में बढ़ सकती है, तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लें 11th और 12th के, जो कि सिर्फ 11th और 12th के बच्चों के लिए है, कृषि वर्ग के लिए, ठीक है। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं यूपी कैडेट की वेबसाइट पर। कल नोटिफिकेशन आ चुका था, वो वीडियो आप सबने देख लिया होगा उम्मीद है। और यहाँ पर यूपी कैडेट की वेबसाइट पर आ गए हैं अब हम। यहाँ पर एक बात हम ये करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों उन बच्चों के बारे में जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी और उन्होंने काउंसलिंग कराने के बाद 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस दिया। 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस देने के बाद वो यूनिवर्सिटी गए अपने डॉक्यूमेंट लेकर ओरिजिनल, और वहां पर उन्होंने पूरा का पूरा एडमिशन लिया है, पूरा अपना फीस जमा किया है, सारी फीस जमा की है। और इसके अलावा उन्होंने वहां पर अपग्रेडेशन का भी फॉर्म भरा हुआ है। उन बच्चों के बारे में हम यहाँ पहले बात करेंगे कि अगर आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा हुआ है बच्चों, तो आपको क्या करना है, तो आपको 500 रुपए देने होंगे। क्योंकि बच्चों, अपग्रेडेशन का मतलब था कि आप सेकेंड काउंसलिंग में बैठ के अपनी सीट को अपडेट कराना चाहते हो, ठीक है। अपग्रेडेशन का मतलब था कि आप सेकंड काउंसलिंग में बैठ के अपनी सीट को अपग्रेड कराना चाहते हो, उसके लिए जो है बच्चों आपको यहां पर 500 रुपए देना होगा, ठीक है। सभी को 500 रुपए देने होंगे अगर आप अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट हो। तो याद रखिएगा, अभी इसी वीडियो में हम आपको, जो विकास वर्मा है, इन्होंने अभी एडमिशन ले लिया था CSA यूनिवर्सिटी का, लखीमपुर खीरी कैंपस इनको मिला था, इनका 500 रुपए हम आज इसी वीडियो में पेमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पेमेंट होगा, क्या सारी चीजें होंगी। इसके अलावा अब उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों जिन्होंने, अब ग्रेडेशन वालों की बात हो गई कि आपको 500 रुपए देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट तो आप लोग अपलोड कर ही चुके हो, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। जो सीट चॉइस की डेट है, ऑनलाइन सीट जो चॉइस फिलिंग है 24 से 25, तो आपको सीधा चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक। कैसे, किसको चॉइस फिलिंग करनी है, किस रैंक पे क्या करना है, वो अभी हम वीडियो बना के बताएंगे। और इसके अलावा आप कॉल करके भी बात कर सकते हो सीट चॉइस के बारे में। इसके अलावा सारे जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो अपग्रेडेशन वालों की बात हो गई यहाँ पर। अब जो दूसरे दूसरे स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम, कि जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई थी, जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई, मतलब ना तो उन्होंने 500 रुपए दिए शुरू में, ना ही उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, और ना ही उन्होंने कुछ भी किया, कोई मतलब नहीं था उनको पहली काउंसलिंग से, उन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई। तो इस तरह के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग इसी तरह से, जैसे आज 500 रुपए हम पेमेंट करेंगे, आप सभी लोग 500 रुपए पेमेंट करेंगे, ठीक। अब तीसरे टाइप के स्टूडेंट कौन होंगे बच्चों, तीसरे टाइप के स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने पहली काउंसलिंग कराई थी, पहली काउंसलिंग कराई, आपने 500 रुपए दिए, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपने सीट चॉइस करी, उसके बाद आपको सीट 3 तारीख को मिल भी चुकी थी, ठीक है, आपको सीट मिली, लेकिन आप क्या हुआ, आपने आगे का सिक्योरिटी का 5,000 रुपए नहीं जमा किया। अब ऐसे जो बच्चे हैं बच्चों तीसरे टाइप के, जिन्होंने 5,000 रुपए सिक्योरिटी का नहीं जमा किया लेकिन उनको सीट दी जा रही थी, वो सारे के सारे बच्चे जो है काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। वो बच्चे अब 500 रुपए देकर दूसरी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, याद रखिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सीट मिली थी लेकिन उन्होंने जाके आगे का प्रोसेस नहीं किया है, ठीक। तो ये सारे बच्चे बाहर हो चुके हैं। ये सारे बच्चे 20 तारीख से, 20 अक्टूबर से, आप सबको पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मात्र 6 महीने बचे हैं, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोग आइए, मात्र 6 महीने में तैयारी करिए अपनी, सबकी टॉप 100 में रैंक आएगी, ये हमारा पूरा का पूरा प्रयास है इस बार, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे बच्चे जो है जिन्होंने पहली काउंसलिंग में उनको सीट मिली थी, नहीं कराए वो आगे काउंसलिंग, तो वो सभी लोग बाहर हो चुके हैं। अब चौथे टाइप के स्टूडेंट्स कौन होंगे बच्चों, जो चौथे टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, जिनको सीट तो मिली थी, उन्होंने सीट मिलने के बाद 5,000 रुपए जो कि सिक्योरिटी फीस थी वो भी जमा कर दी,
5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस भी जमा कर दी, लेकिन 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद उन्होंने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया, ना ही यूनिवर्सिटी गए। बेटा आपकी गलती है, हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी अगर सीट दे रही है तो उसको लीजिए, उसके बाद आप अपग्रेड करा लीजिएगा। आप लोग नहीं माने, आप लोग था कि भैया दूसरी काउंसलिंग हम सीधा करा लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, अगर आपको सीट मिल रही थी तो आपको लेना चाहिए था। अगर आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो फिर आप बाहर हो पूरी तरह से, ठीक। तो दो तरह के बच्चे, तीसरे और चौथे वाले हैं, वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, जिनको यूनिवर्सिटी की तरफ से सीट दी गई थी लेकिन उन्होंने लिया नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जो पांचवें टाइप के बच्चे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था पहली वाली काउंसलिंग में, बच्चों पहली काउंसलिंग में अप्लाई किया था लेकिन उनको सीट नहीं मिली कोई भी, उनको कोई भी सीट नहीं मिली, यानी कि उनके में लिखकर आया जो भी आपने सीट भरी उसके हिसाब से कोई नॉट सीट अवेलेबल, कोई भी सीट अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो सारे के सारे बच्चे जिनकी रैंक याद रखिएगा 3,000 तक है, कोई मतलब नहीं है बच्चों, बीटेक करने का कोई मतलब नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर मिलता है तो बेस्ट है, वरना आप फालतू अपना समय बर्बाद मत करें बच्चों। काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, काउंसलिंग का प्रोसेस कानपुर आ जाइए, मैं खुद कर दूंगा आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग, मैं खुद कर दूंगा। अगर आपको सीट मिल पाएगी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको सीट दिला दूं, अगर आपको सीट मिल जाती है तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर आपका पूरा पूरा का पूरा पैसा वापस करके वापस आपको यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया जाएगा, परेशान मत होइए उसके लिए, लेकिन अपना समय मत बर्बाद करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक ज्यादा है तो आप घर पे बैठ के क्यों समय बर्बाद कर रहे हो फालतू में, है ना। समय बेटा महत्वपूर्ण है, आप इसका यूटिलाइज करिए जीवन में। और अगर आपको लगता है कि आपको 3,000 पे भी रैंक है, 3,000 आपकी यूजी कंबाइंड रैंक है, आपको नहीं मिल सकती है सीट, तो आप आराम से आइए पढ़ाई चालू करिए, अगला एग्जाम देखिए यूपी कैडेट का, कोई मतलब नहीं है प्राइवेट कॉलेजों में बर्बाद करने का समय। तो सभी जो पांच टाइप के स्टूडेंट हैं उनके बारे में हमने बात कर ली, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब सवाल आता है बच्चों कि कौन से वो बच्चे हैं जो 500 रुपए देंगे। तो वो बच्चे जिनको पहली काउंसलिंग में कुछ भी नहीं मिला था, लिखकर आया था नॉट सीट अवेलेबल, वो 500 रुपए देंगे बच्चे। और इस टाइप के बच्चे जो अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी सीट को, वो बच्चे अपने 500 रुपए देंगे, ठीक है। और इनके आगे का जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा हम लगातार वीडियो बना के आपको बताते रहेंगे। बस ये याद रखिए बच्चों कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग में बैठना चाहते हो तो आपको 500 रुपए पेमेंट कर देना है। आप सभी लोग 500 रुपए पेमेंट जरूर कर दीजिए, वरना जो ये डेट है 500 रुपए पेमेंट करने की 21 तारीख तक, इसके बाद फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं तो आप अपग्रेड करने के लिए बच्चों 500 रुपए अप्लाई 500 रुपए जमा कर दीजिए। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली काउंसलिंग में अप्लाई ही नहीं किया था, जो दूसरी काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, वो बच्चे भी 500 रुपए जमा कर दें। और जो तीसरे बच्चे हैं ऐसे जिनको पहली काउंसलिंग में कुछ भी नहीं मिला था, वो बच्चे भी जो है 500 रुपए आज जमा कर दें, ठीक। तीन तरह के बच्चे 500 रुपए जमा करेंगे और दो तरह के बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। कौन? जिनको सीट मिली थी लेकिन वो जिनको सीट मिली थी और जिन्होंने सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करी और आगे का कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, और वो बच्चे जिन्होंने 5,000 रुपए दे के भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड ही नहीं किया, है ना, शांति से बैठ गए, तो वो सब बच्चे भी बाहर हो चुके हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों आज का प्रोसेस कि कैसे आपको 500 रुपए यहाँ पर जमा करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, तीसरा पॉइंट है, वेबसाइट पे जाएंगे बच्चों, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, इसको प्रोसीड कर देंगे बच्चों। यहाँ पर आपको अपना जो है वो ग्रुप ले लेना है और रोल नंबर वगैरह डालकर, ये चीजें हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों। अगर आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, नए आए हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अपना डिटेल भरना है, इसके बाद आप जनरेट ओटीपी कर देंगे, यू हैव नॉट डन योर करंट पेमेंट, ऐसा कुछ लिखकर आ रहा है अभी। तो अभी 11:30 बज रहा है, हो सकता है कि आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो अभी ओपन ना हुआ हो, तो इस वजह से ये चीजें हो रही हो। एक बार हम प्रयास और कर लेते हैं कि शायद अगर ओपन हो गया है तो ये चीज ओपन हो जाएगी। 10/7/2001 You have not done your current payment. तो अभी भी यही लेकर आ रहा है बच्चों इसमें, तो एक बार इसे देखना होगा कि पेमेंट जो है वो शायद अभी आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही बच्चों पेमेंट स्टार्ट होगा तो हम पेमेंट के बारे में आपको एक अलग वीडियो बना के बता देंगे। इसके अलावा ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो पेमेंट है वो सबको करना होगा,
ठीक, चलिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।